सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बिल्कुल परेशानी होना, आई नो कि आप लोग के काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं BHU के BSc AG और BEd के एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग प्रॉब्लम को लेकर। बहुत सारे लोग के डाउनलोड हो चुके हैं एडमिट कार्ड, बहुत सारे लोग के भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए। आपका एग्जाम है 6 अक्टूबर को और अभी तक आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में नहीं है। सो हे गाइज, वेलकम बैक इन एग्री अपडेट। बात करते हैं इस वीडियो में BHU BSc AG एडमिट कार्ड की एनवेलिड प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है। कल की डेट में 6 बजे से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ था और बीच में वेबसाइट ओपन हो रही थी, बीच बीच में वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में चली जा रही थी। तो जब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उसके ठीक 2 मिनट पहले एडमिट कार्ड रिलीज किया गया था और काफ़ी सारे लोग वीडियो देख के डाउनलोड भी कर लिए थे, बट काफ़ी लोग को वीडियो फेक लगी। ठीक है, तो मैं फिर से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखाऊंगा जिनका हो रहा है और उनका भी दिखाऊंगा जिनका नहीं हो रहा है। ठीक है, और जिनका नहीं हो रहा है उनका क्या सोल्यूशन है वो बता दूं आपको। सबसे पहले चीज़ की आज डेट है अभी 4 अक्टूबर। ठीक है, एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम है आपका वो है 6 अक्टूबर को। अभी आपके पास कल की डेट में 5 और आज का डेट यानी 2 दिन का टाइम है, तो आपका एडमिट कार्ड यार आज किसी भी हाल में रिलीज कर दिया जाएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज शाम के 7 बजे तक, रात के 9 बजे भी हो सकते हैं, 5 बजे के बाद आप ट्राई कीजिएगा। मैं कल से ही बोल रहा हूँ जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में ट्राई करें। ठीक, उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग का कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, पर्सनल कॉल आ रहे हैं कि सर मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं यार, आपका एडमिट कार्ड अभी आज तक कभी भी रिलीज किया जा सकता है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 6 अक्टूबर को मॉर्निंग शिफ्ट में 8 बजे से, सो आपको कल यानी कि 6 बजे जब आपका, उसके ठीक 24 घंटे पहले तक आपकी NTA की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कार्ड की, आपका एडमिट कार्ड 24 आवर्स तक आपके हाथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं होता तो आप लोग PIL खारिज करके NTA के ऊपर केस कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। अगर 24 घंटे के पहले तक आपके हाथ में एडमिट कार्ड नहीं आया, यानी कि कल मॉर्निंग में 8 बजे तक आपके हाथ में एडमिट कार्ड आपका नहीं आया, ठीक है, तो आप लोग के हाथ लंबा टाइम है। आप क्यों परेशान हो रहे हो, बिल्कुल पैनिक नहीं होइएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। और कल की वीडियो जिसको फेक लग रही थी उसको मैं आपको अभी प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर से डाउनलोड करके प्रूफ दिखाऊंगा, तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने इनका एप्लीकेशन नंबर DOB फिलअप कर दिया, ठीक है, इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, आपको मैं दिखा दूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड सक्सेसफुली का, और ये एडमिट कार्ड BSc AG का ही है। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये एडमिट कार्ड इनका डाउनलोड हो चुका है, बिल्कुल BSc AG का एडमिट कार्ड है। कल की डेट में मैंने इनका एडमिट कार्ड रिलीज किया और ये हो चुका था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इनका टेस्ट पेपर कोड 135, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 अक्टूबर है, रिपोर्टिंग टाइम 6:40, यानी कि आपका एग्जाम 8 बजे से और आपको 6:40 पे ही सेंटर पे जाकर रिपोर्ट करना है। ठीक है, 7:30 बजे आपके जहाँ पे एग्जाम सेंटर है उससे गेट क्लोज कर दी जाएगी, और जो आपका टेस्ट मोड होगा, ठीक है, वो CBT हो या फिर OMR यानी कि ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन कर दिया जाएगा। मैंने देखा 99% जिनके भी एडमिट कार्ड रिलीज किए गए हैं वो सारे के सारे CBT हैं। ठीक है, अभी उनके ही एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किए गए हैं जिनका OMR बेस्ट टेस्ट होना है। ठीक है, आपका आगे सेंटर दिया गया है, वेन्यू ऑफ टेस्ट ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पूरी डिटेल्स देखने के बाद नीचे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे फिलअप करना है वो चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी फोटो, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन और यहाँ पे सिग्नेचर, सिग्नेचर हमेशा जो आपका एग्जामिनेशन इन्वेजिलेटर होगा उसके सामने करना है, और फोटो और यहाँ पे थंब इम्प्रेशन आपको पहले से ही करके जाना है, सिग्नेचर आपको हमेशा, ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपना फोटो लगा लीजिएगा, यहाँ पे अपना अंगूठे का निशान, कौन सा अंगूठा, लेफ्ट हैंड का। ठीक है, लड़की हो या लड़का, मेल हो या फीमेल, हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं क्या क्या लेके जाना है वो चीज़ देख लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दी है। अब बात करते हैं जिनका एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, जिनका नहीं हो रहा है उनका भी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक ही ऑप्शन आया, इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और एडमिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, पूरी चीज़ आपका एप्लीकेशन नंबर DOB बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है उनको अभी वेट करना है, आज शाम के 9 बजे तक, 8 बजे तक, 7 बजे तक कभी भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकता है। कल की डेट में मॉर्निंग में 8 बजे से पहले अगर आपके हाथ में एडमिट कार्ड नहीं आया तो आपके हाथ में बहुत पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, वेट कर लीजिए जितना भी टाइम है कल की डेट तक का, वेट कर लीजिए। अगर किसी को लगता है उनका एग्ज़ाम सेंटर दूर है तो वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने एग्ज़ाम सिटी चॉइस किया है उसी सिटी में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलने के चांसेस 99% हैं। ठीक है, तो जिनके एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहे हैं उनका भी एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा, वेट कीजिए। मिलते
हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसी ऑफिशियल अपडेट आती है हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये वीडियो केवल आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपको परेशान नहीं होना है। मैं देख रहा हूँ यार सभी लोग परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बट मैं आपको सहमति दे रहा हूँ कि प्लीज़ वेट कर लीजिए थोड़ा सा और आपका एडमिट कार्ड आज की डेट में किसी न किसी हाल में रिलीज कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।